पेपर टू में ये मोर और लेस थियोरेटिकल पेपर है। जब से नेटवर्क आया है, कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात हुई है, उसके बाद से हमारे कंप्यूटर फील्ड का सिनारियो बहुत तेजी से बदला है, राइट? अब हम लोग बिना नेटवर्क के इस दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि नेटवर्क क्या है, फिर देखें कि नेटवर्क कैसे काम करता है, कैसे बनाया जाता है, उसके अंदर क्या क्या रूल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उन सब के बारे में इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लें कि नेटवर्क क्या होता है, व्हाट इज अ नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है? आप लोग डेली इंटरनेट का प्रयोग करते हैं अपने मोबाइल फोन पे, घरों में, डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर्स पे। तो सबसे पहले आप ये बताइए, नेटवर्क होता क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली अ नेटवर्क? नेटवर्क क्या होता है? यस, बोलो भाई। देखिए, नेटवर्क का मतलब होता है इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड सम कंप्यूटिंग डिवाइसेस। क्या होता है? इंटरकनेक्शन ऑफ सम कंप्यूटर्स एंड सम कंप्यूटिंग डिवाइसेस। जब हम कंप्यूटर और कंप्यूटिंग डिवाइसेस को आपस में जोड़ते हैं तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? एक नेटवर्क, राइट? अब दिमाग में जो प्रश्न आता है, जो क्वेश्चन आता है कि अगर मेरे पास कंप्यूटर है, मान लो 5 कंप्यूटर है, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक, पांचों कंप्यूटर अलग अलग काम कर रहे हैं, तो हमें इसे जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वाई, जोड़ने पे अलग से खर्चा क्यों करें हम? गुड, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत बढ़िया। और क्या, अगर ट्रांसफर ही करना था, मेरे इस 5 कंप्यूटर इसी कमरे में, पेन ड्राइव से कॉपी करता, उसमें ले जाता। वर्ल्ड लेवल पे ना हो पाता, मैंने वर्ल्ड लेवल पे आपस में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो एक रीजन तो हमें समझ में आया, शेयरिंग और कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन। एक रीजन तो ये समझ में, और क्या? और भी कोई कारण? देखिए, ये एक महत्वपूर्ण रीजन है कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का, बट इसके अलावा भी और भी कई कारण हैं। जैसे आप लोग अपने कॉलेज में काम करते होंगे, वहां पे 5, 10, 50, 100 जितने भी कंप्यूटर हैं आपस में जुड़े रहते हैं, सबको नेटवर्क करके रखा जाता है। नेटवर्क नहीं होता तो ये समस्या आती है कि जैसे मान लो ये सौरभ आज इस कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहा है, अगले दिन आया उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ, अगले दिन आया पता लगा इस पे कोई और बैठा है। अब उसने रिक्वेस्ट किया, यार मुझे मेरा कल आधा काम हुआ है, इस पे जरा सब मुझे इसी पे काम करने दो, है ना? अब अगला वाला, नहीं मैं तो नहीं बैठूं, मेरा भी आधा काम हो चुका है, तुम कहीं और चले जाओ ना। इसी ये एक प्रॉब्लम आती है। अगर ये आपस में जुड़े होते कोई दिक्कत नहीं, सौरभ यहां बैठ जाता, यहां से इस फाइल को ओपन कर लेता और उस पर अपना काम
कर लेता हूँ। तो ये तो पहला रीजन है, क्या? शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा। और दूसरा आपस में कम्युनिकेट करना भी। अगर ये व्यक्ति एक्स इस व्यक्ति वाई से मैसेज पास करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, बात करना चाहता है, तो उसके लिए फिजिकली वहां तक जाने की आवश्यकता नहीं है। यहीं से बैठे बैठे आपस में दोनों में कम्युनिकेशन हो सकता है। ये दूसरा रीजन, ठीक है ना। तीसरा रीजन होता है शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्स को शेयर करना। अब देखिए, शेयर करना रिसोर्स को बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इससे हमारे खर्चे बच जाते हैं, ठीक है। ऐसे समझो कि मान लो मेरे ऑफिस में 100 लोग काम करते हैं, सबके पास अलग अलग कंप्यूटर है, ठीक, और सभी व्यक्ति को प्रिंट आउट निकालना है, तो हर एक कंप्यूटर पे प्रिंटर लगाना पड़ेगा। बोलो, अगर एक कंप्यूटर, एक प्रिंटर की मिनिमम कीमत हम 10,000 मान लेते हैं और मेरे ऑफिस में 100 कंप्यूटर हैं, तो कितने प्रिंटर की आवश्यकता पड़ेगी? 100 × 10,000, समझ रहे हो? 10,00,000 रुपए मेरे खाली किसमें खर्च हो जाएंगे? प्रिंटर में। इससे अच्छा तो यह होता कि हम सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर देते नेटवर्क में और एक बढ़िया बहुत फास्ट प्रिंटर लगा देते, सपोज 2,00,000 का बढ़िया फास्ट कंप्यूटर प्रिंटर, और कहीं से भी कोई भी प्रिंट आउट देता वहीं पे निकलता, चपरासी को भेज के वहां से अपना प्रिंट आउट मंगा लेते। बोलो, अगर आपने 2,00,000 का भी प्रिंटर लगाया तो आपने 8,00,000 रुपए बचाए ना। ऐसे समझो, अगर मुझे इंटरनेट यूज करना है हर एक कंप्यूटर पे, अब इंटरनेट के लिए आपके पास फोन लाइन होना चाहिए, मॉडेम होना चाहिए और कनेक्शन होना चाहिए इंटरनेट का, तीन चीज। शुरुआती खर्च मॉडेम लगाना, फोन लाइन सबके लिए लगाना, 100 कंप्यूटर के लिए, सोचो अगर एक कनेक्शन लेने में मान लेते हैं हमें शुरुआत में 5,000 भी लग रहा है, तो शुरुआत में कितना खर्च हो जाता है? 5,000 × 100, 5,00,000 रुपए। और उसके बाद हर महीने इंटरनेट के चार्जेस, एक कनेक्शन में मान लेते हैं हम 500 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो महीने भर में कितना खर्च होगा? 500 × 100, 50,000 रुपए केवल इंटरनेट का बिल आएगा। कितना अच्छा होता कि हम एक बढ़िया ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लेते, 100 Mbps, 300 Mbps, 400 Mbps या 1 Gbps का, और सभी को क्या करते? शेयर करा देते। एडवांटेज क्या हुआ? एक खर्चे में सारा निपट गया। सो हम क्या कर सकते हैं? अपने रिसोर्सेस, रिसोर्सेस मतलब संसाधनों को हम लोग क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। वी कैन शेयर अवर रिसोर्सेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हमारा, वी कैन सेव कॉस्ट। अब बजाय इसके कि हर एक कंप्यूटर पे हम अलग अलग डिवाइसेस लगाएं, अलग अलग हार्ड डिस्क लगाएं, हम क्या कर सकते हैं? एक सर्वर लगा दें, उस सर्वर पे बड़ा सा हार्ड डिस्क लगा दें, सारा डेटा कहां स्टोर हो? उसपे स्टोर। तो नेटवर्किंग करने के बहुत सारे फायदे हैं, एक या दो नहीं, बहुत सारे।
अभी तो केवल हार्डवेयर रिसोर्सेज की बात करी, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज भी शेयर कर सकते हैं। अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि हमारा एक सर्वर है, सारे सॉफ्टवेयर यहां लोडेड है, जिसको यूज करना है वो अपने कंप्यूटर से यहीं से यूज करें। सॉफ्टवेयर के पे सॉफ्टवेयर बड़ा महंगा आता है, आइडिया है ना? अगर ओरेकल का लाइसेंस लेने जाओगे, एक व्यक्ति का लाइसेंस आपको 1-1.5 लाख रुपए का पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लाइसेंस लेने जाओगे तो पर मंथ आपका कुछ नहीं तो 600-700 रुपए खर्च होगा। एक जगह रखो, सब लोग यूज करो, पैसा बचेगा। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन, तीनों रिसोर्सेस को हम बड़े आराम से शेयर कर सकते हैं और अपना पैसा बचा सकते। और भी देखो, जब आपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्स को शेयर किया हो, सपोज यहां पे शेयर किया है, और आपको क्या करना है, मेंटेनेंस देना है, उसमें कुछ सही करना है, तो बजाय इसके कि हर एक कंप्यूटर पे 100 कंप्यूटर पे अलग अलग जाकर के सही करें, एक ही जगह सही करेंगे, सब जगह काम हो जाएगा। बोलो, हमारी मेहनत भी बचेगी, हमारा एफर्ट भी बचेगा, isn't it? तो ये हमारे नेटवर्किंग के एडवांटेजेस हुए। और जहां पे एडवांटेज होते हैं वहां पे डिसएडवांटेज भी जुड़ा होता है। तो जरा सोच करके आप लोग बताओ इसका डिसएडवांटेज क्या है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज? नहीं, ऐसा क्या है, मैं जिसको भेजूंगा उसी को मिलेगा। चलो, और कोई, वहां पे इंफॉर्मेशन किसी यूजर को भेजा जाएगा ना, तो यूजर को ही मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। और कोई इसका डिसएडवांटेज? पहला डिसएडवांटेज आपको यही नजर आना चाहिए, इनको आपस में जोड़ने में मेहनत लगेगी, समय लगेगा, कुछ खर्चा होगा, कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, तो वो एक हमारे लिए डिसएडवांटेज हुआ ना। बोलो, आपस में कनेक्ट करना इतना आसान नहीं है। हम लोग कहते हैं बस कनेक्ट कर दो, इतना आसान नहीं। कनेक्टिविटी में कभी कभी बड़ी दिक्कत आती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि कनेक्टिविटी में 2-2 दिन 3-3 दिन लग जाता है, कनेक्ट नहीं होता है, और कभी होता है चुटकियों में हो जाता है, बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो कनेक्टिविटी करना ये एक अपने आप में, उसमें समय लगता है, मेहनत लगता है, पैसा लगता है, तीनों चीज। दूसरा जो आप कहना चाह रहे थे बट उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो ये है कि जब भी डेटा नेटवर्क के ऊपर रहेगा तो उसमें रिस्क रहेगा। बोलो, आप लोग ने बहुत सारा न्यूज सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा कि बैंक खाते से पैसा उड़ा दिया। सुना? कैसे उड़ाया? किसी ने आपको स्पैम किया, आपसे ओटीपी ले लिया। नेटवर्क का ये एक खेल है। जब भी नेटवर्क पे हमारा डेटा है तो उस पर रिस्क रहता है, मानो या ना मानो। हालांकि इतना आसान नहीं है फ्रॉड करना, बट रिस्क तो है। बोलो, प्रॉब्लम तो है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, डेटा ऑन द नेटवर्क इज ऑलवेज एट द रिस्क। आजकल हैकर्स का आप लोग सुन रहे होंगे, हैकर्स क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर में हैक करके इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं, डेटा चुरा लेते हैं, आपके डेटा को करप्ट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, डेटा को संवेदनशील डेटा को नेट पे ओपन लीक कर देते हैं। तो क्या है, डिसएडवांटेज है। पुलिस पेपर में लीक हुआ था पिछली बार, व्हाट्सएप से ही तो पूरा इधर से उधर तक फैलाया गया था, डिसएडवांटेज है ना। सो द डेटा इंफॉर्मेशन विच इज ऑन द नेटवर्क इज ऑलवेज एट रिस्क। कम्युनिकेशन के दौरान कोई उसको कैप्चर कर ले,
दिक्कत आ सकती है, isn't it? So, हमारे एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, सबसे पहले हम लोग नेटवर्क का डेफिनेशन लिख लें। इट इज क्या है नेटवर्क, क्या है? इट इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड सम कंप्यूटिंग डिवाइसेस दैट अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन। ये हमारे कुछ कंप्यूटर और कंप्यूटिंग डिवाइस का इंटरकनेक्शन है that allows communication between them, जो उनके बीच में communication को allow करता। अगर आपस में जोड़ दिया और उसमें communication नहीं है तो उस network का कोई मतलब नहीं है ना भाई। आप जबरदस्ती जुड़े हुए, आप क्लास में रोज 50 बच्चे बैठे, आपके परिवार में 50 लोग हैं बट एक दूसरे से बातें ना करें, ये कोई परिवार है? उसका कोई मतलब है? नहीं। इसी प्रकार से जब हमारे पास कंप्यूटर्स हैं और आपस में कनेक्टेड हैं और उनके बीच में कम्युनिकेशन भी संभव होना चाहिए, राइट? इसके साथ ही आप एडवांटेजेस नोट कर लो। एडवांटेजेस क्या है? नंबर वन, इट अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के बीच ये क्या करता है? कम्युनिकेशन संभव बनाता है। इट अलाउज sharing of data or information ठीक है, जल्दी से नोट करें तो हम आगे बढ़े। It allows sharing of hardware or software resources। ये हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस को शेयर करने की सुविधा देता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेविंग द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटराइजेशन।
हमारे कंप्यूटराइजेशन का कॉस्ट भी कम करने में मदद करता है। आइए अब हम बात करें डिसएडवांटेजेस की। इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट ऑफ नेटवर्किंग। हमारे नेटवर्किंग में कुछ खर्च आते हैं। हर कंप्यूटर में एनआईसी कार्ड लगना चाहिए। अगर वायर्ड नेटवर्क है तो आपके पास वायर होना चाहिए। वायरलेस है तो आपके पास ब्लूटूथ या वाईफाई की कनेक्टिविटी वाला डिवाइस होना चाहिए जिसकी कीमत होगी। उसके अलावा आपको हब, स्विच और भी अलग अलग तरह के डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो ये हमारा एक तरह का डिसएडवांटेज ही तो है। दूसरा, एफर्ट इज रिक्वायर्ड, एफर्ट एंड टाइम दोनों कर लीजिए, एफर्ट एंड टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के लिए समय भी चाहिए, समय भी लगता है, और दूसरा, तीसरा, समटाइम्स नेटवर्क में फेल एंड इट में need to total failure of services. जिस उद्देश्य के लिए आपने नेटवर्किंग की है हो सकता है वही पूरा फेल हो जाए। आप लोगों ने देखा होगा बैंक में जाओ बोला सर्वर डाउन है, होता है ना, आपका कोई काम नहीं हो सकता, ना पैसा जमा होगा ना निकलेगा, isn't it? तो ये एक डिसएडवांटेज है और ये नेटवर्किंग का डिसएडवांटेज है। पुराने जमाने में बही खाता हाथ से सब काम होता था, मैनुअल होता था, भीड़ लगती थी, समय ज्यादा लगता जरूर था, बट काम होगा भी होगा। बट यहां पे जब तक नेटवर्क नहीं चलेगा, सर्वर हमारा दिल्ली बंबई कलकत्ता कहां है पता नहीं, और सर्वर डाउन है, ठप, कामकाज नहीं कर। हाँ जोर से बोलो। हाँ बैंक का ही, बाकी देखिए अंदरूनी जो भी काम करें, बट अगर आपका सर्वर डाउन है तो कोई भी काम नहीं हो सकता, क्योंकि जब कंप्यूटराइजेशन होता है तो हर काम को कंप्यूटर पे ही किया जाएगा फॉर द रीजन ऑफ ट्रांसपेरेंसी, धोखाधड़ी कोई ना कर पाए। ऐसे क्या करेगा, अगर हाथ से लिखा है और उधर लिखा है दोनों में हिसाब किताब अलग हो सकता है। कुछ लोग जो फ्रॉड होते हैं वो जानबूझ के इधर करेंगे इधर नहीं करेंगे, बाद में पकड़े जाएंगे बोलेंगे अरे सर अपडेट नहीं हुआ हुआ तो हम क्या करें। बट जब यहाँ पे ये ऑप्शन रखा ही नहीं कि सर आप हाथ से कर लो, सारा काम किससे करना है, कंप्यूटर पे होना है, तो फ्रॉड की संभावना कम है। और जो इसमें चौथा है क्या, डेटा एंड इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज एट रिस्क, उसको भी लिख लेते हैं। चौथा क्या है, डेटा इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज एट रिस्क, यह भी इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। क्लियर, समझ में आ रहा है, आगे बढ़े।
अब आगे की बात करो, अगर आपको कंप्यूटर को आपस में जोड़ना है तो आपको क्या क्या चीजें आवश्यक होंगी, रिक्वायरमेंट्स फॉर नेटवर्किंग। रिक्वायरमेंट्स फॉर नेटवर्किंग, अगर आपको नेटवर्क बनाना है, नेटवर्किंग करना है, उसके लिए आपको किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आपको कंप्यूटर्स की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क बना रहे हैं तो बट ऑब्वियस है उसकी आवश्यकता तो पड़नी ही पड़ेगी, है ना। दूसरा, वी नीड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसे हम लोग शॉर्ट में NIC कहते हैं। दूसरा, हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, NIP, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगर आपके कंप्यूटर में NIC नहीं है, आपका कंप्यूटर नेटवर्क पे नहीं जुड़ पाएगा, नहीं जुड़ सकता, राइट। इट रिक्वायर्स अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जरूरी है। पुराने जमाने के जो कंप्यूटर होते थे, जब हम लोग पढ़ना शुरू किए थे, उस समय कंप्यूटर में पहले से लगे लगाए NIC कार्ड नहीं आते थे, क्योंकि उस समय नेटवर्क बहुत नया कंसेप्ट था, सबके लिए था भी नहीं। तो अगर हमें कंप्यूटर को आपस में जोड़ना होता था तो हमें अलग से एक कार्ड 1800 से 2000 रुपए का मिलता था, उस समय लगाना पड़ता था। लगाने के बाद ही हम लोग उस कंप्यूटर को नेटवर्क में जोड़ सकते थे, राइट। इसी कार्ड के ऊपर ही हमारा तार आके जुड़ता है, जब कार्ड ही नहीं रहेगा तो तार जुड़ेगा कहां, है ना। दूसरा, तीसरा चीज, हमें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के साथ साथ फिजिकल केबल्स की आवश्यकता पड़ेगी, नेटवर्क बनाने के लिए तार, अगर हमारा वायर्ड नेटवर्क है तो हमें तारों की आवश्यकता पड़ेगी। आगे हम देखेंगे हमारे जो वायर्स कितने अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, राइट। और इन तारों में हमें कुछ RJ45 कनेक्टर्स की आवश्यकता पड़ती है। आपने देखा होगा लैन का जो तार होता है उसके दोनों सिरे पे एक सफेद रंग का क्लिप, ट्रांसपेरेंट क्लिप लगा रहता है, देखा है। नेटवर्किंग का तार देखा है कि नहीं देखा है, नहीं देखा है, नहीं। अच्छा, यहां पे कहीं लगा होगा, चलिए हम उसको दिखा देंगे आपको। उसमें आगे एक कनेक्टर होता है। अच्छा, आपके घर में अगर टेलीफोन लैंडलाइन होगा तो उसमें भी लगा रहता है, वो RJ45 नहीं होता, वो RJ11 होता है। क्या होता है, उसका पिन कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है, इसमें अलग होता है। चलिए हम कल लेते आएंगे, आपको दिखा भी देंगे कि RJ45 कैसा होता है और लैन का तार कैसा होता है, ठीक है ना। तो हमारे केबल्स की आवश्यकता पड़ेगी और किसकी आवश्यकता पड़ेगी, RJ45 कनेक्टर्स की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, इसके अलावा आपको कुछ डिवाइस जैसे कि
हब स्विच राउटर्स इत्यादि की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारे कंप्यूटर के नेटवर्क बनाने के लिए आवश्यक चीजें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम इसके बारे में बात कर लें, टाइप्स ऑफ फिजिकल कनेक्टर्स। देखिए, हब और स्विच एक तरह का नेटवर्किंग डिवाइस होता है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं। जिसके माध्यम से क्या करते हैं, कंप्यूटर। अब जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक कंप्यूटर है और एक कंप्यूटर ये है, इसमें एक एनआईसी कार्ड है, इसमें भी एक एनआईसी कार्ड है, ठीक ना। इन दोनों को जोड़ना है तो इसके एनआईसी कार्ड से एक तार, इसके एनआईसी के कार्ड में एक तार जोड़ देंगे, जुड़ गया। बट अगर मान लेते हैं मेरे पास एक और कंप्यूटर है, उसको भी जोड़ना है, बोलो। अब इसके दोनों तार तो जुड़ गए हैं, एनआईसी कार्ड में एक ही कनेक्शन के लिए जगह होती है, ये क्या जुड़ पाएगा? नहीं। तो ऐसी जगहों पर जब अधिक कंप्यूटर जोड़ने होते हैं, दो से अधिक, तो हमें या तो हब की आवश्यकता पड़ती है या स्विच, दोनों एक ही काम करते हैं। हब जो है उसकी स्पीड कम होती है कनेक्टिविटी की, और स्विच की स्पीड ज्यादा होती है। अब ये हब या स्विच क्या होते हैं, हमारे पास एक डिवाइस होते हैं जिसमें कई सारे पोर्ट होते हैं। क्या होते हैं? जैसे ये मैंने हब या स्विच बनाया है, इसमें 16 पोर्ट हैं, यानी कि इसके साथ कितने कंप्यूटर जुड़ सकते हैं? 16 कंप्यूटर। अब ये जो हब या स्विच आते हैं, 4 पोर्ट के आते हैं, 8 पोर्ट के आते हैं, 16 के आते हैं, 32 के आते हैं, 64 के आते हैं, हमेशा 2^n साइज के होते हैं, राइट? तो अगर मुझे 16 कंप्यूटर जोड़ना है तो मैं 16 वाला लूंगा, छोटा नेटवर्क है, केवल 8 जोड़ना है तो 8 वाला पोर्ट लूंगा। अगर मेरा और भी छोटा है, और बड़ा है, 32 बिट का लूंगा, और बड़ा है 64 बिट का लूंगा, उससे बड़ा है तो 2 64 64 को जोड़ लेंगे, एंड सो ऑन। तो ये जो है, इसके माध्यम से हमारा एक कंप्यूटर इससे जुड़ गया, दूसरा इससे जुड़ गया, तीसरा इससे जुड़ गया, चौथा इससे जुड़ गया। ये कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए एक डिवाइस है, समझ में आया? हब या स्विच। हमारे नेटवर्क दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वायर्ड नेटवर्क और एक होता है वायरलेस नेटवर्क। कितने प्रकार के हुए? दो, वायर्ड और वायरलेस। इसी प्रकार से जो केबल्स हैं, इनको हम लोग बोलते हैं मीडिया, बोलते क्या बोलते हैं? मीडिया। हमारे जो मीडिया होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गाइडेड मीडिया और एक होता है अनगाइडेड मीडिया। मीडिया कितने प्रकार के हुए? गाइडेड मीडिया मतलब तार, अनगाइडेड मीडिया मतलब ये स्पेस, जहां पर आपके अगल बगल से इस समय तरंगे गुजर रही हैं, आपको पता ना चले अलग बात है, बट इस समय हमारे अगल बगल बहुत सारी कम्युनिकेशन चल रही है, आप ना सुन पाओ ये अलग बात है, बट आपके अगल बगल से बहुत सारी तरंगे गुजर रही हैं। तो ये जो स्पेस है, ये भी एक माध्यम का काम कर रहा है, एक मीडिया का काम कर रहा है। और ये कैसा मीडिया है? वायरलेस, अनगाइडेड, राइट? तो हमारे पास मीडिया दो प्रकार की हो गई, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। अभी जो गाइडेड मीडिया है, ये कई प्रकार की होती है, गाइडेड मीडिया कई प्रकार की होती है। हेडिंग डाल लो गाइडेड मीडिया।
अ मीडिया दैट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिटवीन डिवाइसेस, और ध्यान रखिए हम कंप्यूटिंग की भाषा में जो नेटवर्क में कंप्यूटर जुड़े हैं या डिवाइस जुड़े हैं उनको क्या बोलते हैं, नोड। तो नोड के बीच में ट्रांसमिशन की सुविधा देता है। हेलो, राइट, समझ में आया। तो मीडिया का काम है डेटा ट्रांसमिशन में मदद करना। अ गाइडेड मीडिया इज अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस। जो हमारा गाइडेड मीडिया होगा वो एक फिजिकल कनेक्शन है, यानी कि किसी तार के माध्यम से हमारे कंप्यूटर या डिवाइसेस आपस में जुड़े होंगे, और इसी मीडिया के माध्यम से हमारा डेटा ट्रांसफर होगा। अनगाइडेड और गाइडेड में एक बहुत बड़ा फर्क यह है कि गाइडेड में हमें स्पीड अच्छी मिलती है, स्पीड अच्छी मिलती है, और अनगाइडेड में स्पीड कम मिलती है। क्यों कम मिलती है? क्योंकि जब हम बोल रहे हैं, जैसे यहां से बोल रहे हैं, ये ऐसे फैल रहा है, फैल रहा है, हर जगह जा रहा है, क्षीण हो रहा है उसकी शक्ति, धीरे कुछ दूर तक जाते जाते हो सकता है सुनाई भी ना दे, isn't it? So, इसमें स्पीड भी कम मिलती है और क्वालिटी भी पुअर होती है। किसमें? अनगाइडेड में। जबकि गाइडेड में आपको स्पीड अच्छी मिलती है, उसमें क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन अच्छा मिलता है, क्लैरिटी रहती है, राइट? गाइडेड मीडिया कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। हमारे जो गाइडेड मीडिया होंगे ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं। अब अगर हम इसको समझना चाहें गाइडेड मीडिया को, तो आज हम समझा देते हैं, लिखवाएंगे कल, समझ लीजिए। समझ लिया तो आगे का काम आपका आसान हो जाएगा, नहीं समझे तो चाहे जितना लिख लो सब बेकार ही है। तो आज हम लोग पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया के बारे में बात। जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो है पैरेलल वायर्स। अगर हमें दो कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करना है तो उसको कनेक्ट करने के लिए अलग अलग तरह के तार हो सकते हैं, और हर के अपने एडवांटेज होंगे, अपने डिसएडवांटेज होंगे। आपको जैसा चाहिए वैसा आप सेलेक्ट करिए। ये तो नेटवर्क आपका है, तो आपको डिसाइड करना है कि हमें किस टाइप का तार सेलेक्ट करना है। अब अगर हमने दो वायर लिए हैं ट्रांसमिशन के लिए तो इसमें बहुत प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम, ये लंबी दूरी के ट्रांसमिशन के लिए उपयुक्त तो बिल्कुल भी नहीं है। लंबी दूरी के ट्रांसमिशन के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त तो नहीं है। बहुत ज्यादा हुआ तो 1 से 3-4 मीटर, इससे ज्यादा दूरी के लिए तो कतई ये यूजफुल नहीं है। क्यों? रीजन भी है। रीजन क्या है? जब आप दो तार के बीच में ट्रांसमिशन करते हैं, अब तार में जो डेटा ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रिक करंट के रूप में होगा, इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, और फिजिक्स में यह भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी में, कि जब दो तार में
करंट दौड़ रहा है तो एक तार में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा, दूसरे में भी बनेगा, और इसकी वजह से इसमें जो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है ये इस पे प्रभाव डालेगा, और इसमें जो हो रहा है वो इस पे प्रभाव डालेगा। और डेटा ट्रांसमिशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, भाई यहां पे तो इलेक्ट्रिक पल्स कुछ वोल्टेज है तो वन, वो वोल्टेज नहीं है तो जीरो, वन जीरो वन जीरो के रूप में ट्रांसफर होता है कंप्यूटर में, आपको पता है ना। अगर वोल्टेज जैसे हमने डिसाइड किया कि 6 वोल्ट है तो उसको वन माना जाएगा, और अगर जीरो से लेके वन के बीच में वोल्टेज है तो उसको माना जाएगा जीरो। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होगा तो हो सकता है इसकी वजह से इसमें थोड़ा सा स्पाइक हो जाए, जहां जीरो था वो बदल जाए किसमें, वन में। तो डेटा भेजा 1011 और पहुंचा 1111, ऐसा क्या चाहेंगे आप, बोलो, नहीं चाहेंगे ना। तो ये जो डिस्टरबेंस हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से, इसको बोलते हैं नॉइज, नेटवर्किंग की भाषा में क्या बोलते हैं, नॉइज, यानी कि डिस्टर्बेंसेस। तो जब तार यहां से गुजर रहा है, हो सकता है अगल बगल में जैसे फैन है, फैन में आपको पता है ट्रांसफार्मर लगा होता है, छोटा सा कॉयल होता है, और कॉयल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका भी प्रभाव इस पे पड़ेगा, जो आपस में इन दोनों तार में ट्रांसमिशन हो रहा है उनका एक दूसरे पे प्रभाव पड़ेगा। तो यहां पे लंबी दूरी के लिए उपयुक्त नहीं है, और इसमें डेटा करप्ट होने के चांसेस ज्यादा है, जीरो का वन और वन का जीरो होने में ज्यादा देर नहीं लगता है, इसीलिए ये बहुत कम दूरी के लिए, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 मीटर तक के लिए लोग इसका प्रयोग करते हैं, और हालांकि आजकल कोई भी इसका प्रयोग नहीं करता। इसके बाद आया दूसरा ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर में क्या होता है, रहते तो यही दो तार हैं, बट वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे लपेट दिए जाते हैं, बिजली का तार देखा होगा ना, एक दूसरे पर लिपटा हुआ, कॉपर के वायर हैं, और कॉपर के वायर के ऊपर आपका एक खोल चढ़ा हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं इंसुलेशन, प्लास्टिक का इंसुलेशन चढ़ा होता है, और ये जो तार होते हैं एक दूसरे के ऊपर ऐसे लपेट दिए जाते हैं। लपेटा क्यों जाता है, वाई, फिजिक्स में पढ़ा होगा ये सब चीजें, ये मत बोलो नहीं पढ़ा है, पढ़ा होगा, ध्यान नहीं है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, बोलो नहीं पढ़ा, भूल गए, सत्यनारायण की कथा खत्म हुई उसके बाद भूल गए कि कलावती थी कि सत्यवती थी, सत्यनारायण की कथा सुनी हो, कौन थी, भूल गए, यस प्लीज, नो, ध्यान से सुना करो कथा, वो खाली पंजीरी लेने के लिए मत पहुंचा करो प्रसादी के लिए, तो कथा इसलिए सुनाई जाती है कि आप लोगों के धर्म के प्रति आस्था बढ़े, भगवान के कई रूप बताए जाते हैं, भगवान के साथ चोरी नहीं करो, झूठ नहीं बोलो, छल नहीं करो, इसलिए कथा सुनाई जाती है कि रोज हम लोग यही करते हैं, झूठ कपट छल लड़ाई झगड़ा मार, यही तो करते हो, इसके अलावा कुछ करते हो, सपने में भी यही करते हो, फलाने को मार दिया, फलाने से लूट लिया, वहां पे आप लोगों को कथा बता के ये कहा जाता है ये सब नहीं करो, इससे आप के जीवन में बड़े सारे कष्ट होंगे, जो लोग धर्म से डरते हैं वो अपने आप को सुधार लेते हैं कि भाई हाँ भाई नहीं करना चाहिए, और जिनको कोई डर नहीं रहता तो चलो जो होगा देखा जाएगा, नरक में देखा जाएगा, फिलहाल यहाँ पे सुख कर भोग लो।
चलो उसकी बात छोड़ देते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में आपने पढ़ा है कि जब एक करंट फ्लो करता है किसी तार में, तो अगर इस दिशा में करंट है तो जो फील्ड बनेगा इस डायरेक्शन में बनेगा। अगर दो तार है दोनों में ऐसे जा रहा है तो क्या होगा, एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपल्स करेंगे, और उसकी वजह से जो इंटरफेरेंस ज्यादा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा ना। तो ये दोनों को कैंसिल आउट करने के लिए, डायरेक्शन एक दूसरे का क्या करने के लिए, कैंसिल आउट करने के लिए एक दूसरे के ऊपर लपेट दिया जाता है, और लपेटने से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक बार इस दिशा में जाएगा, दूसरे में इस दिशा में जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। और ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा तो इसमें जो डेटा ट्रांसमिशन है थोड़ा सा और लंबी दूरी तक बिना डिस्टर्बेंस के जा सकता है। बस यही कारण है और कोई विशेष कारण नहीं। तो ट्विस्ट केवल कर देने से थोड़ा सा ट्रांसमिशन का डिस्टेंस जो अभी तक हम कह रहे थे 2 से 3 मीटर, अब ये 2 से 10 मीटर तक बड़े आराम से आप डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हो विदाउट नॉइज, विदाउट डिस्टर्बेंस, विदाउट करप्शन। हाँ, बाहर वाला इंटरेक्शन जो हो रहा है वो तो हो रहेगा इंटरफेरेंस। बाहर कौन सा, जो मान लो यहां से तार जा रही है वहां पर ट्रांसफार्मर लगा है उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा, कुछ डिवाइस लगे हैं उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो बाहरी जो इंटरफेरेंस रहेगा वो तो रहेगा, बट जो तारों के बीच में एक दूसरे पे प्रभाव पड़ रहा था वो कैंसल आउट हो जाता है इसमें, किसमें, ट्विस्टेड पेयर में। और ट्विस्टिंग करने में थोड़ा सा हमारा पैसा खर्च होगा, तो इसलिए ये जो तार होते हैं इससे थोड़े से महंगे होते हैं, बट एडवांटेज क्या है, थोड़ा सा और लंबी दूरी तक इसमें ट्रांसमिशन किया जा सकता है। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, एक है यूटीपी एक है एसटीपी। कितने प्रकार के हुए, दो, कौन कौन से, यूटीपी और दूसरा क्या है, यूटीपी का फुल फॉर्म लिख लो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, और दूसरा है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, अनशील्डेड और दूसरा क्या है शील्ड। शील्ड का मतलब बचाओ, शील्ड का मतलब कवच, बचाओ। तो ये जो यूटीपी है इसमें दो तार होते हैं, दोनों में इंसुलेशन होता है, एक दूसरे के ऊपर लपेट दिए जाते हैं, और एक तार के अंदर हमारे पास 4 पेयर होते हैं। कितने पेयर होते हैं, 4, 1, 2, 3, 4, ऐसे 4 पेयर होंगे, यानी कि 8 तार होते हैं, राइट, किसमें, यूटीपी में। और उन सभी को बाहर एक प्लास्टिक के खोल के अंदर बंद कर दिया जाता है, किससे बचाने के लिए, बाहरी इंटरैक्शन से, बाहरी इंटरफेरेंस से बचाने के लिए, यूटीपी। बट एसटीपी में क्या होता है, ये सारे जो अंदर के 4 पेयर हैं इनको भी अलग अलग एक फॉइल के अंदर लपेट दिया जाता है, जिससे एक पेयर का प्रभाव दूसरे पे ना पड़े, और बाहरी खोल तो है ही, बाहरी इंसुलेशन तो है ही। तो जब शील्डेड की बात आती है तो ये और लंबी दूरी तक, जैसे अगर हम इसकी रेंज मानते हैं 10 से 15 मीटर तक, तो ये 50 मीटर तक हमारा डेटा कम्युनिकेशन के लिए सूटेबल है। समझ में आई बात, चलो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टर्न पे इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग इसके लिए एक किताब, मैं किताब हमेशा बोलता हूं, किताब पढ़ना जरूरी है, किताब पढ़ना जरूरी है। नेटवर्किंग के लिए कई किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, विलियम स्टॉलिंग्स की किताब बहुत अच्छी है, विलियम स्टॉलिंग्स, या फिर आरोन एस टेनेनबॉम,
एक तो ये ले सकते हो या फिर दूसरा ले सकते हो विलियम स्टॉलिंग्स, जो आपको अच्छा लगे वो किताब ले लो। और जो कल पेपर हमने पढ़ाया था आर्किटेक्चर, उसके लिए मॉरिस मैनो अच्छी किताब है, उसको आप ले सकते हो। और तीसरा पेपर जो है वो है डेटा स्ट्रक्चर, उसके लिए आप लोग ले सकते हो कानेटकर की किताब ले सकते हो, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, या फिर आप लोग एक साहनी की किताब आती है डेटा स्ट्रक्चर की, वो ले सकते हो। और किताबों को जरूर आप लोग लीजिए, किताब से ही आप पढ़ के हमारे नोट्स को देख करके तब आप अपने शब्दों में नोट्स बनाइए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।